डीएसपी सर का फोन। इसमें से एक गोली गायब है। क्या? इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है। हसीना जी, हमारा हृदय आपके लिए धड़कता है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका हृदय भी हमारे लिए धड़कता होगा। हम आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर जान देने का इतना ही शौक है ना, तो ये लो। मैडम सर, ऐसा कुछ हुआ था? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है पुष्पा जी। बे, इतना बढ़िया एक्टिंग बेकार। संतू जी। हाँ हाँ, उठाए उठाए। अरे मैडम सर, दिमाग पे जोर डालिए, बादाम खाने से सब कुछ याद आ जाता है। हमारा दिल कहता है कि डीएसपी सर बिल्कुल ठीक होंगे, करिश्मा सिंह अभी कोई अच्छी सी खबर लेकर आएंगे। इसे कहते शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताइए। अनुभव भैया घर पर नहीं है, चाची ने बताया कि वो भी कल से घर नहीं आए हैं। वो ऑफिस में भी नहीं है। डिपार्टमेंट को यही पता है कि कल वो हमारे साथ होली खेल रहे थे। कमिश्नर सर हमें फोन पे फोन किए जा रहे हैं और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं वो हमारे साथ ही है। अगर ये बात आउट हुआ ना, तो हमारे थाना पे तो मुसीबत आएगा ही आएगा, सबसे बड़ा मुसीबत आएगा मैडम सर आप पर। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? हम कब से याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। मैडम सर और जोर डालिए अपने दिमाग में, प्लीज याद कीजिए, क्योंकि हमारे भैया भी गायब है। हमें भी जानना है कि हमारे भैया के साथ क्या हुआ है। प्लीज आप सोचिए, थोड़ा जोर डालिए। करिश्मा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो मैडम सर कह रहे हैं ना, उन्हें कुछ याद नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारी? बादाम खाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर हमें पता करना है ना कि क्या हुआ, तो हमें शुरू से सब याद करना होगा और कड़ियां जोड़नी होगी। अकलमंदी वाला मासूमियत मैडम, देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है। मैडम सर आप ऐसा कीजिए ना, जितना आपको याद आ रहा है शुरू से बताइए। ठीक है, हम याद करते हैं। हमें इतना याद है कि हम डीएसपी सर के साथ गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। जी चला दी। उसके बाद बस। मैडम सर, तब तक तो हम सब लोग वहीं पर थे ना। हाँ, ये हमें नहीं याद। मैडम सर, हमको क्या लगता है ना कि हम सब लोगों को अनुभव सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। हाँ जीते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें डीएसपी सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। पुष्पा जी चीते, यहाँ रहो और जैसे ही अनुभव सर का कोई खबर आता है तो हमको तुरंत खबर देना। हाँ जी मैडम सर, हम ड्राइवर से पूछताछ कर लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा संतू जी, ख्याल रखिएगा। हमको सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, कल क्या क्या हुआ था। हाँ अच्छा, तो शुरू से बताइए। मैडम ये उन दिनों की बात है जब हम पैदा होने वाले थे। तुम्हारा पैदाइश कथा सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ पे। उनके कहने का मतलब है कि कल जो जो हुआ वो शुरू से और विस्तार से बताइए। तुमने मैडम सर और अनु भैया को पिकअप किया था, फिर आगे जब तुम बड़े तो कहाँ गए? दोनों जैसे गाड़ी में बैठ गए और हम मंत्र मंत्र पढ़े और उसके बाद हमें याद आया कि हम तो अगरबत्ती जलाना तो भूल ही गए। अरे इसकी याददाश्त को बत्ती लगाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे या यहीं रुके रहेंगे आप? सेम टू सेम यही बात मैडम ने हमको पूछा था। हाँ फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। फिर क्या, मैडम ने हमको आगे बढ़ने के लिए कहा, हम आगे बढ़े तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया। अरे अभी सबको रुकना पड़ेगा, 5 मिनट ये भी वहां रुके होंगे, है ना? नहीं रुके थे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया था। ग्रीन तो आगे बढ़ो। फिर डीएसपी साहब ने हमको राइट लेने कहा और राइट से हम चलते रहे। अपना स्पीड बढ़ाओ। सेम टू सेम यही बात भी डीएसपी सर हमको पूछे थे कि तुम अपना स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारी कहानी का स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं हम, अपनी कहानी का स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। क्या बताएं मैम, कहानी तो वही रुक गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी बंद हो गई। आपको तो याद है ना मैडम सर,
पर हर रास्ता रुक गया। मैडम सर गाड़ी रुक गई। हाँ गाड़ी क्यों रुक गई? मैडम सर गाड़ी बंद पड़ गई। चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है हसीना जी होता है, रास्ता तो है ना, कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। ओके आइए। अब हमें कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। क्या हुआ था मैडम सर, गाड़ी को क्या हुआ था, याद कीजिए आप। सेम टू सेम यही बात भी मैडम ने पूछी थी, तब हमने उनको बताया था कि मैडम गाड़ी तो पंचर हो गई। क्या क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? मैडम सर वो पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं हम ऑटो में चले जाएंगे। आइए हसीना जी आइए। नहीं हमें पहले भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है, कोई बात नहीं आइए आइए आइए। नहीं 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 नहीं, जहाँ तक हमें याद है तुमने हमसे कहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी बंद पड़ गई है, और अब कह रहे हो कि पंचर हुआ था। अच्छा पेट्रोल बोले थे तो पेट्रोल ही खत्म हुआ होगा। मैं झूठ मत बोलो, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, सच सच बताओ हमको। मैडम हमने झूठ कहा था, मैम गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो DSP साहब के कहने पे किया। मैं थोड़ी दूर जाके गाड़ी खराब होने का बहाना कर देना। क्या अनु भैया ने ऐसा कहा था? अनु भैया ने ऐसा क्यों कहा था? हमने आपको जो बताया है वो प्लीज DSP साहब को मत बताइएगा प्लीज। अरे उनको बताने के लिए वो यहाँ होने चाहिए ना। मतलब CID मत बनो तुम, समझ गए? ऐसे अंदर डालेंगे ना तुमको जेल के, कि बाहर आना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तुमने मैडम सर और अनु भैया को कहाँ पर ड्रॉप किया था ये बताइए हमको। ड्राइवर के हिसाब से मैडम सर लगभग 4 बजे उन्होंने आपको यहाँ ड्रॉप किया था, इसके बाद आप और अनु भैया आगे बढ़े, तो आगे कहाँ हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको मैडम सर? नहीं कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम कमिश्नर बोल रहे हैं, DSP अनुभव सिंह को फोन दीजिए। जय हिंद सर। हाँ एक मिनट है सर, एक मिनट। जीते 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 जीते। कौन कौन मारा रे, कौन मारा? जीते यहाँ सर। कमिश्नर सर का फोन है। सर DSP सर तो यहाँ नहीं है। करिश्मा सिंह तो कह रही थी कि वो थाने में ही है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी? हाँ नहीं नहीं, करिश्मा जी कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब DSP सर यही है मगर यहाँ नहीं है। मतलब मतलब वो फ्रेश होने गए हैं। देखिए मुझे अभी के अभी DSP से बात करनी है, नहीं तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। मतलब DSP सर। हेलो क्या हुआ? हेलो DSP सर ना। हाँ देखिए सामने से आ ही रहे। बात करो। बात कीजिए उनके साथ बात कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सब क्या चल रहा है अनुभव? महाशय वो हमारे पेट में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। पेट में? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? पुष्पा जी बैठ गई। आवाज सर महाशय हमारी आवाज थोड़ी बैठ गई है। ऐसे कैसे गला बैठ गया है? कल दारू भाव कल होली पे ना कुछ ज्यादा ही भांग हो गई थी, इस वजह से हमारी आवाज कुछ पल के लिए बैठ गई है महाशय। ठीक है 1 घंटे में हमारे ऑफिस पहुंचिए, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हेलो जी 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 महाशय। अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। महाशय ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम बिजली की रफ्तार से पहुंच रहे हैं आपके पास। जय हिंद सर। जीते
चीते। अगर एक घंटे में डीएसपी सर नहीं मिले ना तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। शिवजी, शिवजी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मैडम सर, अनु भैया किसी से कुछ पूछ रहे थे क्या? आपको कुछ याद है क्या पूछ रहे थे, किस बारे में, कहीं इधर उधर जाने के बारे में? नहीं, हमें कुछ याद नहीं। मुझे याद है। अरे ये टिल्लू, इस आदमी को मैं पहचानता हूँ, ये मेरा सीएफएफ है। क्या बीएफएफ? सुना था, सीएफएफ क्या होता है? संतोष जी, बीएफएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। वैसे सीएफएफ का लॉन्ग फॉर्म है चोर फ्रेंड फॉर एवर। बिल्लू, वो कहाँ मिलेगा ये बता सकते हो? नेकी और पूछ। चलो बताते हैं। चलिए करिश्मा सिंह जी, इस टिल्लू से जाकर बात करें। थैंक यू। ये क्लिप आप एक बार वापस से प्ले करेंगे? का मतलब हम सही सोच रहे थे, वो मैडम सर और अनु भैया का पीछा कर रही थी। पक्का कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद। राजू, आजा बम लगा ले। टिल्लू, बिल्लू, टिल्लू, बिल्लू, टिल्लू, मेरे दोस्त, यार, अबे तू जेल में क्या चला गया? कैदी बनकर रह गया? अपने टिल्लू को भूल गया तू? मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुझे याद है तूने मुझे कितने पैसे देने? तुझे पैसे याद है और मेरी साइकिल अभी तक नहीं दी तूने। अच्छा, ये भी है? तो ठीक है, दोनों भूल जाते हैं और गले लग जाते हैं। धोखेबाज, तू मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता है? रुक रुक, नहीं तो। अरे सुन, नहीं तो। अरे सुन लो, पहले बात सुन लो। हम तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ तुमसे ये पूछने आए हैं, कल तुम हमसे मिले थे? मैडम, मैं आपसे क्यों मिलूंगा? और वैसे भी हम लोग शरीफ लोग हैं, हम पुलिस से नहीं मिलते हैं। दिमाग पर जोर डालो अपने। कल आपने इनको देखा था और इनके साथ एक आदमी भी थे, लंबे चौड़े, हैंडसम, गोरे चिट्टे से। अच्छा, तो वो नशे में पियक्कड़ औरत आप ही थी? वो जो पियक्कड़ औरत थी ना, वो औरत मैडम सर ही है। मैंने बहुत पीने वाले देखे लेकिन आप जैसा पियक्कड़ नहीं देखा। शुक्रिया। अब ये बताओ कि कल जिस हैंडसम आदमी से तुम मिले थे, उन्हें तुमने इशारा किया था कहीं जाने का? किस तरफ जाने का इशारा किया था? उन्हें तो जन्नत भेज दिया। क्या जन्नत? मिठाई वाला। आपको मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने भेज दिया। हाँ संतु, क्या तुम लोग मिठाई की दुकान पे जा रहे हो? मतलब डीएसपी सर मिल गए? हाँ हाँ, ऐसे मौके पर तो मिठाई बनती है। देखो, हमारे लिए ना गिलोरी लेकर आना, हमें बहुत पसंद है। हमारे लिए काजू कतरी, कलाकंद, कलाकंद। सुना, हमारे लिए तो आप खुद ही चले आइए। हाँ, क्या डीएसपी सर नहीं मिले? मिठाई कैंटीन। तो फिर मिठाई की दुकान पे क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा, पूछताछ करने। हाँ ठीक है, हाँ बता देना फोन करके जो भी हो, ठीक है? हाँ। हे भोलेनाथ, डीएसपी सर सुरक्षित हो बस, उनके चक्कर में ना हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है अब। अरे हमको ऐसा लगता है कि हसीना मैडम ने डीएसपी सर को उड़ा दिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हमें लगता है इसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। अगर होगी भी ना तो डीएसपी सर की होगी। अरे वो है ही ऐसे, बिल्कुल करिश्मा मैडम की तरह पत्थर दिल है।
है कहाँ थे यार? चुप ना यार। और पुष्पा जी, कमिश्नर साहब के आने का समय हो रहा है, देखिए पूरा सिचुएशन के बारे में एक बार और सोचिए। डीएसपी सर ना सीनियर है मैडम सर से, वो मैडम सर को ऑर्डर दे दिए होंगे इसे कि हम आपसे ब्याह रचाना चाहते हैं, और मैडम सर को गुस्सा आ गया होगा और गुस्से में ठप से इसे गोली मार दी होंगी डीएसपी सर को। हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो, मैडम सर गोली नहीं मार सकती। नहीं पुष्पा जी, नशा के हालत में ना आदमी कुछ भी कर सकता है, और मैडम सर तो पहले से गुस्सा थी डीएसपी सर पे। अब तो भोलेनाथ ही जानते होंगे क्या हुआ है। हम तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि डीएसपी सर ठीक हो। यही है जन्नत मिठाई वाला। आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप इनको देखिए और बताइए, आपने कल इनको देखा था? नहीं मैडम, इनको तो मैंने कभी नहीं देखा। याद आया? अरे ये तो वही गुंडी है कल जो भाग नशे में खूब तमाशा किया था। मेरी मिठाई भी खाई थी, अब इन्हें पैसे दी चली गई। हेलो हेलो भाई साहब, इतना इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी महिला पुलिस थाना अपनी उदारी के लिए फेमस है। सॉरी वो फ्लोक लो में। एक मिनट मैडम सर, आप गुंडी पियक्कड़ देखिए भाई साहब, आप हमें शांति से बताइए, क्यों हुआ तमाशा, किस वजह से, क्या हुआ था कल, अच्छे से बताइए। लो वाकई आपको याद नहीं, मेरी दुकान में सारी मिठाइयाँ दिख रही हैं। ये सारी की सारी मिठाइयाँ आपने मंगवाई थी खाने के लिए, जिसका 200 रुपए हुआ, और आप बिना पैसे दी चली गई। पहले मेरा पैसा दीजिए, उसके बाद तब बताऊंगा कि आपने क्या तमाशा किया था। ये लीजिए 500, आप बताइए। कल आप और आपके साथ एक साहब आए हुए थे, इसी टेबल पर बैठे थे, और आपने ढेर सारी मिठाइयाँ मंगवाई थी खाने के लिए। वाह रसगुल्ले भैया, क्या बात है, हैप्पी होली। होली है। बस कीजिए हसीना जी, आपने भांग पी रखी है, मिष्ठान खाने से नशा और बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दीजिए। आप ऐसे जो हसीना मलिक हो? जी नहीं, हम डीएसपी अनुभव सिंह हैं। तो ऐसे जो हसीना मलिक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें मिष्ठान खाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? जी समझ गए। क्या समझ? यही कि आपको मिष्ठान खाने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकती है, ऐसे जो हसीना मलिक रोक सकती है। तो फिर आप कौन है? आप ऐसे जो हसीना मलिक नहीं है। आज हम सिर्फ हसीना मलिक हैं। आओ जल्दी आओ, सच बताएं, SHO हसीना मलिक ना बहुत बोरिंग है। फर्ज, जज्बात, तजुर्बा, इसी सब में फंसी रहती है, जिंदगी तो जीती नहीं। क्या हुआ ना, बहुत जल्दी जिंदगी में ना जिम्मेदारियां उठा ली, इसलिए इस हसीना मलिक को दबना पड़ा। लेकिन जब तक SHO हसीना मलिक सो रही है, तब तक हम हल्के जिएंगे। और लेकर आओ समोसे भी, लेकर हम समोसे भी खाएंगे। नहीं नहीं बहुत खाली आपने। एक मिनट रुकिए आप। आइए चलते हैं, चलते चलते हैं। आइए हम खुद और भी करने का मन कर रहा, मजा नहीं आ रहा है। अभी भी कुछ और करने का मन कर रहा, जैसे कि उड़ने का। तो किसने रोका है? अरे अरे हसीना जी, अरे हसीना जी, होली है, हसीना जी आई। अरे मैडम, मेरा 200 रुपए। मैडम साहब आपका स्कार्फ। यहाँ तक तो डीएसपी सर हमारे साथ थे, इसके बाद हो गए, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है?